नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दीवान और आइए एक नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। जनसंपर्क आयुक्त श्री पी नरहरि ने भोपाल जिले की मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के कक्ष का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। भोपाल शहर को मादक पदार्थ के सेवन से मुक्त कराने के लिए 22 मार्च से चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। संभाग आयुक्त श्री कल्पना श्रीवास्तव ने सभी वर्गों से की सहभागिता की अपील। उज्जैन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने जिलेवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, इस होली लोक सेवक अपने परिवार एवं पड़ोसियों को मतदान करने के लिए करे प्रेरित। और दमोह जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई मतदान कलश यात्रा। और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार भोपाल जिले की मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के जिला पंचायत भोपाल के प्रथम तल पर स्थापित मॉनिटरिंग कक्ष का बुधवार को जनसंपर्क आयुक्त श्री पी नरहरि एवं उप संचालक श्री राजेश बैन ने निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त श्री नरहरि ने नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना शर्मा एवं सदस्य सचिव श्री आशीष शर्मा से अभी तक किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर किए गए पर संतोष व्यक्त किया। इसके पश्चात जनसंपर्क आयुक्त श्री नरहरि ने संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल का भी निरीक्षण किया। भोपाल शहर को मादक पदार्थों के सेवन से मुक्त कराने के लिए 22 मार्च से जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों विशेषतः युवाओं को जागरूक किया जाएगा। संभाग आयुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने बुधवार को शिक्षण संस्थाओं अशासकीय संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया। इस दौरान आईजी श्री जयदीप प्रसाद बैठक में विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि कॉलेज में प्रवेश के समय ही खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को रुचि अनुसार समूह से जोड़ा जाएगा। संभाग आयुक्त ने नए शिक्षण सत्र से इन गतिविधियों को प्रारंभ कराने के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने तकनीकी कॉलेजों में स्पोर्ट्स टीचर को तैनात करने के लिए कहा है। बैठक में खेल और सांस्कृतिक गतिविधि कैलेंडर को भी अंतिम रूप दिया गया। बैठक में जागरूकता के लिए तैयार की गई प्रचार सामग्री को भी अंतिम रूप दिया गया। उज्जैन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र की अध्यक्षता में सिंहस्थ मेला कार्यालय में राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की बैठक लेकर जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिए कि स्वीप अभियान अपने अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से चलाकर मतदाताओं में जागरूकता लाई जाए। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को लोकसभा निर्वाचन में की जा रही तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में राजनीतिक दल के पदाधिकारियों ने निर्वाचन संबंधित सुझाव दिए। कलेक्टर ने संबंधितों को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर नियम अनुसार अमल में लाया जाएगा। मुरैना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने जिले के सभी कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों को होली की शुभकामनाएं पत्र जारी करते हुए सभी से अनुरोध किया है कि वे लोकसभा निर्वाचन 2019 में लोक सेवकों की हैसियत से अपने परिवार के सदस्यों, अपने परिचितों, पड़ोसियों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि होली सामाजिक समरसता का अनुपम त्योहार है। इस अवसर पर समस्त लोक सेवकों द्वारा अपने परिजनों, पड़ोसियों, मित्रों, मोहल्लों एवं गांव के वासियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। दमोह जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान कलश यात्रा का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग एवं नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कलश यात्रा का शुभारंभ अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद कोप्रिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह यात्रा नगर पालिका से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य चौराहों से होती हुई मानस भवन से होकर फिर नगर पालिका वापस आई। स्थानीय मानस भवन में SGM रविन्द्र चौकसे द्वारा सभी को मतदान की शपथ दिलाई गयी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।